गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ हरे मटर की कचौरी। ठंड का मौसम हो और सीज़न हो मटर, हरे मटर का, तो इसकी कचौरी बनाने का कुछ अलग ही मज़ा आता है। बहुत ही अच्छा लगता है गर्म गर्म कचौरियाँ ठंडी के मौसम में मिले। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ऐसी ही कुछ टेस्टी रेसिपी, हरे मटर की कचौरी। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर ले लिया मैंने फ्रेश हरे मटर और यहाँ पर लहसुन की पत्तियाँ ले लिया है मैंने। आप इसे यूज़ कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है लहसुन की पत्तियों से। अब इसे हमें दरदरा पीस लेना है। इसमें मैंने मिर्ची भी डाला था, इसे पीस लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैंने पैन रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया था। तड़के में मैंने जीरा डाल दिया है इसमें और 1 छोटी चम्मच हींग। इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच सौंफ। सौंफ आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं अजवाइन। अजवाइन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हरे मटर की कचौरी में, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं ग्रीस किए हुए अदरक डाल दे रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से हमें भुनना है, अच्छे से पकाना है हमें अदरक को। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर। अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे हल्दी और मिर्ची पाउडर को। ये देखिए हमारा भून चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं हमारे पीसे हुए हरे मटर। अब इसे अच्छी तरह से हमें भुनना है, इसका जो है पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए। इस तरह से इसे भुनना है, ये देखिए। यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच नमक। आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं या तो इमली का पल्प यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसमें अच्छी टेस्टी कचौरी बनेगी। इसे हमें अच्छी तरह से भुनना है, सारा पानी इसका हमें निकाल देना है, इस तरह से भुनना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा 2 कप। अब यहाँ पर मैं इसमें अजवाइन ऐड कर दूँगी और यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है खाने का सोडा, जिससे हमारी कचौरी बहुत ही फूलकर आएगी। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच नमक। अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी, जिससे हमारी कचौरी बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनेगी। अब इसे अच्छे से हमें मोइन करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हमें सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। आप इसका मोइन अच्छे से कीजिएगा ताकि हमारी कचौरी जो है बहुत ही क्रिस्पी बने। ये देखिए हमारा डो बनकर तैयार है। अब इसे मैं सेट होने के लिए रख दूंगी 15 मिनट के लिए, ढककर इसे रखना है। हमारा 15 मिनट हो चुका है, अब मैं इसे ओपन कर लूँगी। हमारा डो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। अब मैं इसे इसकी लोइयाँ बना लूँगी। जितना हमें आटा चाहिए, आप छोटे भी कचौड़ी बना सकते हैं, बड़े भी, आपको जितना साइज़ का चाहिए कचौड़ी आप उतना बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 लोइयाँ ले लिया है। अब इसे मैं अच्छे से इसके पेड़े बना लूँगी। ये देखिए 2 पेड़े मैंने इसके तैयार कर लिए हैं। अब इसे हमें बेलना है। याद रखिए कि बीच में हमें ना बेलना है, साइड साइड से हमें बेलन लगाना है, साइड साइड से हमें बेलन लगाना है, बीच में बेलन नहीं, हल्के हल्के हाथों से करना है। इस तरह से
ये देखिए हमारा पेस्ट भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अब इसका हमें एक सर्कल बना लेना है, बॉल। ये देखिए इस तरह से बॉल बना के, इस तरह से। अब इसे हम सेंटर में रखेंगे। अब इसे धीरे धीरे से हम अंदर की तरफ इसे लेकर जाएंगे। ये देखिए सारे हमने बंद कर दिए हैं। अब इसे इस तरह से घुमाएंगे। पहले इस तरह से हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर की तरफ देखिए मेरा जो अंगूठा है ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरह से कर लेना है, देख सकते हैं आप लोग, ये ऊपर की तरफ मैंने किया है। अब इसे धीरे धीरे हम अंदर की तरफ प्रेस करते हुए जाएंगे। अब इसे प्रेस करते हुए हम दबा देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा अंदर, हाँ इस तरह से बना लेंगे इसे। हमारी कचौरी देखिए बनकर तैयार है। इस तरह से हमें रेडी करना है। अब इसी तरह हम दूसरा भी कचौरी रेडी कर लेते हैं। उसी तरह से इस करना है इसे भी। अब इसे भी धीरे धीरे करके उसी स्टेप को फॉलो करना है जिस तरह से मैंने पहले कचौरी में आप लोगों को बताया था। ये देखिए इसे भी प्रेस कर लेना है इस तरह से। दो कचौरी बनकर हमारी तैयार है। अब यहाँ पर मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। इसको हमेशा धीमी आंच में ही हमें बनाना है, एकदम धीमी आंच में। ये देख सकते हैं आप तेल, इसमें मैंने थोड़े से चेक करने के लिए डाल दिया है। ये थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं। इसी तरह से ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए क्योंकि हमें कचौरी जो है बहुत ही खस्ता बनाना है और टेस्टी बनाना है। अब मैंने इसमें कचौरी ऐड कर दिया है। इस तरह से बबल्स आने चाहिए, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना रखें, नहीं तो हमारी कचौरी जो है ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। धीरे धीरे से इसे हमें धीमी आंच पर पकाना है। थोड़ा थोड़ा तेल भी हमें कचौरी के ऊपर इस तरह से डालना है। अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए हमारी कचौरी काफ़ी टेस्टी दिख रही है, काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, काफ़ी खस्ता भी दिख रही है। आप लोग भी ज़रूर इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। हमारी कचौरी काफ़ी फूलकर तैयार है। ये देखिए हमारी कचौरी बनकर तैयार। ये देखिए हमारी कचौरी जो है काफ़ी खस्ता बनी है, क्रंची बनी है और काफ़ी गोल्डन फ्राई हुआ है। आप इसे ज़रूर ठंड के मौसम में बनाइए, बहुत ही आप इंजॉय करेंगे। बच्चे से लेकर बड़े तक इसे बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए आप इसे धनिया की चटनी, सॉस, पुदीना की चटनी, आप जिसे आपकी जो भी चटनी फेवरेट है आप उसे इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।